एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक नई डाई लेकर के आई हूँ जो बहुत अच्छी है बालों के लिए। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा एज वाले मतलब जिनके बाल बहुत ज्यादा वाइट होते हैं, और वो डेली भी जैसे कि आपको एक हफ्ते में, मैं बोलती हूँ कि एक हफ्ते में लगाइए, 15 दिन में लगाइए, वो इतनी जल्दी हीना नहीं लगा सकते हैं, उन लोगों के लिए है ये। और जिन लोगों को लगता है कि हम अगर ये डाई यूज करते हैं तो उसमें केमिकल है तो वो बालों को नुकसान कर सकता है, तो लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो बिल्कुल आपके बालों को ये नुकसान नहीं करने वाली है। और इसमें क्या क्या सामान यूज किया है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है आंवला शिकाकाई हरड़ बहेड़ा, मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे भिगा करके अभी रखा हुआ है, तो मैंने इसका पेस्ट बनाया था, और पेस्ट बना करके इसमें मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसका पेस्ट, क्योंकि मैंने इसमें जो बहेड़ा डाला है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था वो पीसना, तो इसलिए मैंने इसको पहले ही पीस करके रखा हुआ है। तो इसका पेस्ट मैंने बनाया है, मैं दिखा देती हूँ। इस पेस्ट के साथ आपको डालना है ये गांधी आश्रम की जो मेहंदी है, वैसे आप इसको सिंपल भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि जिस चीज से बाल ब्लैक होते हैं उसको आप सिंपल भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या है इसको आप, मैं इसलिए इसको यूज करती हूँ क्योंकि ये क्या है, मार्केट की जो डाई है इसमें थोड़ा केमिकल होता है, क्योंकि केमिकल होगा तो ही आपके बाल बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं। पर लेकिन फिर भी आपको ब्लैक बाल चाहिए तो उन लोगों के लिए है, जो लोग कहते हैं कि ब्लैक ही बाल चाहिए, केमिकल है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई चीज बता दीजिए कि केमिकल है बाल ब्लैक चाहिए लेकिन वो बालों को नुकसान ना करें केमिकल होते हुए भी। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी चीज यूज करती हूँ कोई, तो मैं उस तरीके से यूज करती हूँ कि आपके बालों को नुकसान ना करें। तो इसमें मैं देखिए, मैंने आंवला शिकाकाई हरड़ बहेड़े का जो मैंने पाउडर लिया है, पेस्ट लिया है, तो मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये देखिए, और आप बिलीव नहीं करोगे ये इतनी सी ही बहुत रहती है, क्योंकि इससे क्या बाल काले हो जाते हैं। और इस साथ में इसमें जो मैंने ये डाला है, इसका जो पेस्ट है, ये तो आपके बालों को काला बनाता ही बनाता है। साथ में क्या होता है कि अगर आप इसको कम क्वांटिटी में लेते हो, इस जो ये मैंने गांधी आश्रम के जो हीना ली है, तो अगर आप इसको कम क्वांटिटी में लेते हो तो उससे क्या फर्क, क्या नुकसान हो जाता है ज्यादा, क्योंकि आपको कम क्वांटिटी में ये आपके बालों में लगेगी नहीं, ठीक है, कम क्वांटिटी में आपके बालों में नहीं लगेगी। तो उसको ज्यादा करने के लिए क्या करोगे आप, आपके पास कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना कि इतनी सारी हो जाए कि आपके बालों में ये अच्छे से लग जाए ब्रश से। तो उसके लिए या तो आपको बहुत सारी डाई की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारी डाई लगाओगे तो आपके बालों को फिर, क्योंकि केमिकल है तो थोड़ा बहुत तो हम करेगा ना, तो इसीलिए क्या करो कि कम क्वांटिटी लो, और इतना लो कि आपके बालों में वो अच्छे से लग भी जाए और बाल भी बिल्कुल काले हो जाएं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, आंवला शिकाकाई हरड़ बहेड़े का जो पेस्ट लिया है, तो उसमें मैं इसी को ही ऐसे ही डाल देती हूँ, गांधी आश्रम की जो डाई को, और इसमें मैं डाल देती हूँ एलोवेरा जेल, और मैं क्या करती हूँ उसको सारा ही डाल देती हूँ, क्योंकि ये क्या है, जितना ज्यादा आप उसमें डालोगे डाई में उतना ही ज्यादा आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों को बहुत अच्छे से कलर भी करेगा ये, तो अच्छी डाई है ये बहुत ज्यादा, और आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर भी करती है। और इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, तो इसको क्या करना है आपको, जब आप इसको लगाओगे ऐसे इस तरीके से, तो एक तो इसकी ये ज्यादा भी हो जाएगी तो आपके बालों में अच्छे से असर भी कर जाएगी, दूसरा क्या है, ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो आपके बालों में ये असर भी करेगी और बाल भी बहुत जल्दी काले हो जाएंगे आपके, और बाल तो इससे झटपट काले हो जाते हैं एकदम से। इसको ज्यादा देर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि ये क्या है, ये डाई बालों के लिए एक तो बालों को काला बनाती है, साथ में जो चीजें मैंने डाली हैं तो वो आपके बालों को बिल्कुल भी हार्म तो करने ही नहीं देगी। और जो मैंने ये डाला है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आपको पता है बालों को सॉफ्ट बनाता है, साथ में जो अगर इससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होने वाली है तो इससे बिल्कुल भी आपके बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो चीजें इसमें डाली हैं तो ऑलरेडी आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करती रहती है, और जो गांधी आश्रम की जो डाई है आपके बालों को काला करने का काम करती है। तो अगर आप दोनों चीजें ऐसे लगाते हो तो आपके बालों को वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं बहुत कम चीजें मार्केट की यूज करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा मैं इंडिको यूज, इंडिको से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, जबकि इससे भी डार्क होते हैं, उससे भी डार्क होते हैं, जबकि वो आपका ऑर्गेनिक है और इसमें थोड़ा केमिकल मिला हुआ है, दोनों में बस ये केमिकल वाली है, वो ऑर्गेनिक है, बाल दोनों से ब्लैक होते हैं, लेकिन मुझे वो सूट नहीं करता है फिर भी, क्यों, क्योंकि वो उससे मुझे हेडेक हो जाती है। तो इसलिए जब मुझे कहीं जाना होता है, मेरे बाल बहुत अच्छे है क्योंकि मैं डेली डेली मेहंदी नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि डेली डेली मेहंदी लगाना पॉसिबल होता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ उसको, जैसे मुझे कहीं जाना है तो वैसे मेरे बाल बहुत ज्यादा डार्क हैं, दिखते नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, पसीना आता है, तो फोरहेड से थोड़े से वाइट हो जाते हैं, और क्योंकि पसीना आता है तो जाहिर सी बात है कि जो जो फेस में बाल होते हैं वही थोड़े वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप, जब मुझे कहीं जाना होता है, खास करके कहीं
कहीं जैसे कि पार्टी वार्टी में जाना है या कहीं कभी कभी कहीं जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी हिना में जैसे मेरे पेस्ट है ये, तो पेस्ट के साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि खाली क्या होता है ना, सिर्फ अगर आप आंवला शिकाकाई का पेस्ट ऐसे ही बालों में लगाओगे तो वो नहीं लग पाता है, वो गिर जाता है, पर अगर ये डाई के साथ लगाते हो तो क्या है आपके बाल काले भी होते हैं साथ में, ये पैक हो जाता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर भी करता है, साथ में गांधी आश्रम की जो डाई डाली है वो बालों को काला भी कर देती है साथ में। तो मैं इसको लगाती हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाती हूँ, सिर्फ आधे घंटे में ही मेरे बाल इतनी जल्दी, मेरे आधे घंटे से भी कम समय में मैं लगाती हूँ, क्योंकि बाल सिर्फ थोड़े से फोरहेड के या कान के पास ही थोड़े बहुत होते हैं व्हाइट, ज्यादा नहीं होते हैं, बाकी जो पूरे सिर के जो बाल होते हैं वो तो ऑलरेडी इतने ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि उन पर तो वो उतरती नहीं है जल्दी से, क्योंकि जो जल्दी से उतर जाती है ना, खास करके जहां जहां से जैसे कि फोरहेड कान के पास से फेस वॉश करते हैं, पसीना आता है सबसे ज्यादा यहीं पर आता है, तो उससे क्या वो निकलती रहती है हीना जल्दी जल्दी, तो उसी वजह से इसको थोड़ा लगाना पड़ जाता है, वो भी जब कहीं जाना होता है तब, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, खास करके ज्यादा एज वालों के लिए, तो जो लोग हीना भी नहीं लगा सकते फिर इसके लिए आपको हीना की जरूरत भी नहीं पड़ती है, जिन लोगों के बाल ज्यादा व्हाइट हैं और वो हीना भी नहीं लगाते हैं, बोलते हैं कि हीना से साइनस की प्रॉब्लम है या एज हो गई है तो हीना नहीं लगाते हैं, हेडेक हो जाती है ज्यादा हीना लगाने से, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है आंवला शिकाकाई का पेस्ट, या आपके एक दो हर्ब्स आपके पास जो भी है उसका पेस्ट डालिए, थोड़ी सी क्वांटिटी में डालिए गांधी आश्रम की डाई, सिर्फ आधा घंटा लगाइए और झटपट बाल धो लीजिए, बाल एकदम डार्क हो जाएंगे आप बिल्कुल जेट ब्लैक, और उसके बाद क्या होगा इसमें मैंने जो चीजें डाली है वो आपके बालों को खराब भी नहीं करने वाली, बाल बिल्कुल नहीं गिरेंगे, आप बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे बाल आपके। तो मैं जब भी आपको कोई चीज बताती हूँ केमिकल वाली, उससे क्या होता है आप बिल्कुल उसको बिंदास लगाइए, क्योंकि मैं उसमें कभी कोई चीज आपको ऐसी एडवाइस करूंगी ही नहीं कि आप ये चीज लगाइए और आपके बालों को हार्म करें, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी इतनी सारी चीजें डाल देती हूँ कि आपके बालों को खराब करने का वो मौका ही नहीं मिलता है इतना। अब जैसे कि गांधी आश्रम की डाई है, केमिकल वाली है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम बालों में हो जाती होगी, लेकिन मैं जो चीज तरीके से लगाती हूँ पर मुझे अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जबकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, पर क्यों शायद इसीलिए नहीं हुई क्योंकि मैं इसमें इतनी सारी चीजें डालती हूँ कि उसको खराब होने का मौका ही नहीं मिलता है, स्किन को खराब करने का या बालों को खराब करने का मौका ही नहीं देती है डाई, क्योंकि मैं इसमें ऑलरेडी इतनी सारी चीजें डाल के रखती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो डेफिनेटली आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, एकदम डार्क हो जाएंगे, और ये खास करके उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ बाल काले ही चाहिए, कोई हीना नहीं चाहिए, कोई और डाई चाहिए ही नहीं, सिर्फ बाल काले ही करने हैं, फिर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन वो फिर भी डरते हैं कि केमिकल वाली होगी तो बाल खराब ना हो जाए, इसलिए मैं जब केमिकल वाली जो चीज बता रही हूँ तो उससे बाल आपके बिल्कुल खराब नहीं होंगे, पर अगर आप उस तरीके से यूज करोगे जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, अगर आप उस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके बाल बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको। तो इसलिए मैं जो डाई बताती हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से लगाइए, और जैसे मैं बताती हूँ अगर उस तरीके से आप यूज करते हो तो कोई आपके बाल मतलब ही नहीं होता कि आपके बाल डार्क ना हो या ब्लैक ना हो। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी जो डाई होती है वो आपको कैसी लगी, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी जानने की जरूरत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू।